मध्य प्रदेश के खरगोन में राजस्व और खाद्य एवं औषधि विभाग ने नकली मावा तैयार कर रही एक फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। 5.5 क्विंटल मावा सहित बनाने की सामग्री को भी किया जब्त। सैंपल की जांच के लिए लैब भेजे। मिल्क पाउडर में केमिकल और वनस्पति मिलाकर मावा तैयार कर रहे थे। जिले भर में बड़े पैमाने पर नकली मावा तैयार कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर सेगांव में सचिन मिश्रा की शिव दूध फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई। यहां से बड़े पैमाने पर मावा तैयार किया जा रहा था। SDM खरगोन अभिषेक गहलोत और खाद्य औषधि विभाग संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की। यहां से 5.5 क्विंटल मावा जब्त किया गया। मिल्क पाउडर में केमिकल और वनस्पति मिलाकर तैयार किया जा रहा था, जो कि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है। खरगोन से तिवारी रिपोर्ट। आज ये खरगोन सेगावा के जगह पर जो है नकली मावा बनाने की एक फैक्ट्री है, यहाँ पर कार्रवाई की है और कुल मिला के 5.5 क्विंटल नकली मावा जो है जब्त किया है। ये जो है यहाँ के प्रोपराइटर है, इनके हिसाब से ये जो है मिल्क पाउडर में जो है वनस्पति मिलाकर जो है ये मावा तैयार कर कर रहे हैं। कितना मावा? तकरीबन 5.5 क्विंटल मावा है सर। अभी क्या कार्रवाई हुई? अब इसको जब्त कर रहे हैं और इसकी सैंपलिंग करके भोपाल लैब में भेजेंगे। क्या आगे से कहां कहां तक कुछ तार ऐसा कुछ मालूम पड़ा इन लोगों के? नहीं, अभी तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ये लोकल में यहां पे बना रहे हैं और उसके बाद इसको मुंबई तक सप्लाई कर रहे हैं, मुंबई इंदौर सब जो जाके बेच रहे हैं। तो सर ये नकली मावा? नकली मावा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।